कहते हैं लक्ष्मण जी कि इस धनुष से आपकी ममता है और ममता आपको दुख दे रही है। तो लक्ष्मण जी ने बात तो ठीक कही, पर परशुराम जी में केवल ममता होती तो बात बन जाती, परशुराम जी में अहमता, मुझसे कह रहे हो ये मुझसे। पर सबलो को महीप कुमारा, मेरा फरसा देख। लक्ष्मण जी बोले, हमें फरसा देखकर डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हम आपका फरसा ही नहीं देख रहे हैं, हम तो आपका यज्ञोपवीत देख रहे हैं। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, आपका ये जनेऊ देख रहे हैं। हम ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाते, अगर हम में हम लोग क्षत्रिय हैं, मुझे क्रोध आ जाएगा तो मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। भृगुसुत, मैं अपने क्रोध को रोके हुए हूँ। जो कछु कहूं सहूं ऋषि रोकी। तो अब तो परशुराम जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी की तरफ फरसा लेकर दौड़े। लक्ष्मण जी बोले, समझ गया समझ गया, दर्जा दो का भी गणित नहीं आता, क्लास टू की भी मैथ नहीं आती। परशुराम जी बोले, युद्ध में और गणित में क्या संबंध है? कहा, संबंध है क्या? कहा कि युद्ध में मार काट होती है और गणित में भी कुछ अंक काटने पड़ते हैं। गणित में एक चैप्टर होता है भाग, भाग के तीन विभाग होते हैं, भाजक, भाज, भजनफल, और शेष भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करके दाईं ओर भजनफल अंकित कर अंत में शेष बचता है। क्यों बचता है? परशुराम जी ने कहा, क्योंकि वो कटता नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो आप फरसा लेकर मेरी ओर दौड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने ठीक ही कहा, सृष्टि है भाजक, काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, काल के द्वारा सभी विभाजित हो रहे हैं, पर अंत में जो शेष बचता है वो नैनम छिंदंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो, ना शोष्यते मारुतः। जिसे फरसा काट सकता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे फरसा काट नहीं सकता। और ऐसा जो लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान श्री राम मुस्कुराए कि लक्ष्मण बड़ी विचित्र बात कही। क्या विचित्र बात है? भगवान जैसे ही मुस्कुराए कि इतनी विचित्र बात कही। परशुराम जी ने देख लिया मुस्कुराते हुए, राम जी को फरसा दिखाया तो पर लक्ष्मण जी बोले, हिंदी भी कमजोर है क्या? कहा, क्यों? कहा, हिंदी में एक शब्द होता है अखंड, अखंड का कोई खंड नहीं होता, और सामने देखो कौन खड़े हैं। ज्ञान खंड एक सीतावर ज्ञान खंड एक सीतावर ज्ञान खंड एक सीतावर ज्ञान खंड ज्ञान अखंड एक।
तो जो ऐसे वचन कहे लक्ष्मण जी ने। परशुराम जी को इतना क्रोध आया, भगवान श्री राम ने इशारा किया तो लक्ष्मण जी वापस बैठ गए। भगवान उठे और कहा कि महाराज अपना क्रोध शांत कीजिए, शांत कीजिए। परशुराम जी बोले कैसे शांत करें, जब तक मैं किसी का सिर ना काट लूं, तेरा सिर ना काट लूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। भगवान श्री राम ने सिर झुका दिया। चलाई ये फरसा, तो क्या फरसा चला? नहीं चला, हाथ रुक गया।